जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद का मामला बदायूं जिले के समरेर किसे सामने आया है। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और पांच बेटियों का पालन किस संघर्ष से कम नहीं है। ये कहानी एक दिव्यांग महिला गीता की है जो जनपद बदायूं के विकास खंड समरेर के गांव प्रहलादपुर की है। पैरों से कमजोर महिला के पति जो है पहले ही इस दुनिया से गुजर चुके हैं और उसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, विकलांग महिला कहीं भी नहीं जा सकती क्योंकि वो चल नहीं पाती। दिव्यांग महिला गीता ने बताया कि उनके गांव में काफी बार अफसर आए और उनसे अपनी फरियाद भी लगाई, पर अधिकारी भी उसकी समस्या को गंभीरता से नहीं लेते। दिव्यांग महिला जैसे तैसे अपनी पांच बेटियों का पेट पालती है, वही महिला को रहने के लिए मकान भी नहीं मिल रहा। वो अपने बच्चों के साथ झोपड़ी पर पन्नी टांग कर रहती है। आखिर अधिकारियों की नींद कब खुलेगी और इस दिव्यांग महिला को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कब मिल सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? पांच लड़कियां। और आपके घर वाले? खत्म हो गए। अच्छा, विकलांग हैं? विकलांग। ये बताइए, दोनों हाथों से? पैरों से। अच्छा, ये बताइए, आप ऐसे घर में रहती हैं, आपने आवास के लिए ग्राम प्रधान से कहा था? आपने प्रधान से कहा था? क्या कहा प्रधान? नहीं मिल पाया? नहीं मिला। अच्छा, फिर उसके बाद आपने अधिकारी में शिकायत की है? नहीं, हमको जाना लायक नहीं है। कोई अधिकारी आया है गाँव में अभी तक? हम तो बैराज चले गए कमान खाना खा। अच्छा, बाहर चली गई थी आप। तो आप सरकार से क्या मांग करती हैं? इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, आप कैसे गुजार करती हैं? सर, ग्राम गंडा महिला है, उसमें गांव प्रहलादपुर, उसमें कितने आवास जारी हुए हैं सर? 20। सर, एक दिव्यांग महिला है जो पैरों से दिव्यांग है, उसको कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है सर, इस बारे में कुछ? दिव्यांग के अलग आवास आए मास्टर से, उनको सर्टिफिकेट मेरे पास आ रहे हैं, उनको आवास दिला दिए। कब तक सर सरकारी लाभ उन्हें मिल जाएगा सर? हमको जब भी सर्टिफिकेट आ जाएगा, उनका 80 से 100% होगा तो उनको मैं दिला दूंगा।